साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ में वापस जुड़ा हुआ हूँ और हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के साहित्यकार के बारे में। तो साथियों, यदि आप बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी द्वितीय वर्ष अर्थात सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं और आप मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति के अनुसार द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में, तो आपका जो फाउंडेशन कोर्स यानी कि आधार पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा, उसका जो शीर्षक है भाषा और संस्कृति, उसकी यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 का थर्ड टॉपिक है मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार के बारे में उनके विषय में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग चलते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार उनकी रचनाओं के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उनके महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस 100 क्वेश्चनों के बारे में। तो पहले बात करते हैं, शुरुआत में बात की जाएगी हमारे मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार महाकवि कालिदास के बारे में। तो महाकवि कालिदास कौन थे? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के संस्कृत साहित्य के सिरमौर नाटककार एवं कवि हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। कालिदास अपनी अलंकार युक्त सुंदर सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। कालिदास के जन्म को लेकर विद्वानों में हमेशा मतभेद रहा है। चूँकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालव विकर मित्रम नाटक लिखा और अग्निमित्र के द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासन किया था, अतः कालिदास की समय सीमा निर्धारित हो जाती है कि वह इससे पहले नहीं हो सकते। 7वीं सदी में बाण भट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया तथा इसी समय के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भी उनका जिक्र है, अतः कालिदास इसके बाद के नहीं हो सकते। इस प्रकार कालिदास के द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के मध्य होना तय माना जाता है। वैसे साथियों, हम कहें तो कालिदास के जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनके विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन निवासी मानते हैं, किंतु इनकी रचनाओं में हिमालय गंगा व इनसे संबंध क्षेत्रों के अतिशय रमणीय वर्णन के आधार पर कुछ विद्वान इन्हें हिमालय के आसपास का निवासी मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, उसकी तरफ चलते हैं। संस्कृत में छोटी बड़ी लगभग 40 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जिन्हें अलग अलग विद्वान उन्हें कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें से मात्र 7 ही ऐसी रचनाएं हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदास कृत मानी जाती हैं। 3 नाटक हैं कालिदास द्वारा रचित, प्रमुख 3 नाटक कौन कौन से साथी हुए आपको याद रखना जरूरी है, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम और मालविक अग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संवारम। यदि हम नाटक की बात करें तो मालविक अग्निमित्रम यह कालिदास की पहली रचना है। साथियों याद रखना, कालिदास की पहली रचना कौन सी है? तो मालविक अग्निमित्रम, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को कारागार में डाल देती, यानी कि जेल में डाल देती है। मगर संयोग से मालविका राजकुमारी सिद्ध होती है और उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरी नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, यह कालिदास की दूसरी रचना है। साथियों यदि आपसे पूछा जाए कि कालिदास की पहली रचना, तो मालविका अग्निमित्रम और दूसरी अभिज्ञान शकुंतलम, यह कालिदास की दूसरी रचना है जो उनके अलावा दुनिया के अनेक भाषाओं में हुआ है।
मतलब उसका अनुवाद अलग अनेक अनेक भाषा में हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है जो वन में रहने वाली एक परित्यक्ता ऋषि पुत्री शकुंतला यानी विश्वामित्र और मेनका की बेटी से प्रेम करने लगते हैं। उसके बाद आता है विक्रम शौर्यम, यह रहस्य और परिपूर्ण नाटक है। इसमें राजा पूर्वा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं और पूर्वका के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पूर्वा से प्रेम के कारण वह वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, जिससे इंद्र गुस्से में उसे शापित कर धरती पर भेज देता है। हालांकि उसका प्रेम अगर उससे होने वाले पुत्र को देख लें तो वह फिर स्वर्ग लौट सकता है, लौट सकेगी। विक्रम शौर्यम काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है। महाकाव्य की तरफ चलें, कालिदास के महाकाव्य की तरफ चलें तो रघुवंशम और कुमार संभवम उनके महाकाव्यों के नाम हैं। रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएँ हैं तो कुमार संभवम में शिव पार्वती के प्रेम कथा और कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। साथियों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि महाकवि कालिदास के जितनी भी रचनाएं हैं उसमें से शिव पार्वती की प्रेम कथा का उल्लेख किस रचना में किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा उसका नाम कुमार संभवम। उसके बाद खंड काव्य की तरफ आते, उनका मेघदूत एक खंड काव्य है, मेघदूत एक गीति काव्य भी है। कौन सा काव्य साथियों? गीति काव्य, जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास भेजने का वर्णन मिलता है। तो उसे नाम से स्पष्ट है मेघदूतम में मेघ की बात हो रही है, बादलों की बात हो रही है। मेघदूत के दो भागे, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। उसके बाद आता ऋतु संहारम में, सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न ऋतुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो साथियों ये बात हुई महाकवि कालिदास के बारे में। इसके बाद हम चलेंगे भर्तृहरि के बारे में। साथियों इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, लगभग ये मान के चले हम एक घंटे का ये वीडियो लेक्चर हो सकता है। बात करते हैं भर्तृहरि के बारे में। भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई तथा उज्जैन के शासक थे। इनके बारे में थोड़े से डिटेल में एक बार दोहरा देता हूँ। भर्तृहरि कौन थे? तो भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले। भर्तृहरि ने किसकी उपाधि धारण की थी? राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई कौन थे? भर्तृहरि अर्थात विक्रमादित्य। और किसके शासक थे? तो आप लोग अच्छे से जानते हो उज्जैन या अवंतिका के शासक थे। भर्तृहरि की साधना स्थली उत्तर प्रदेश का चुनार नामक स्थान है तथा राजस्थान के सरिस्का यानी अलवर क्षेत्र में उनकी समाधि स्थल है। भर्तृहरि संस्कृत के महान कवि थे। संस्कृत साहित्य में के इतिहास में ये एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके शतकत्रय यानी नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100-100 श्लोक है। जैसे नीति शतक में भी 100 श्लोक है, श्रृंगार शतक में भी 100 श्लोक है और वैराग्य शतक में भी 100 श्लोक इसमें मिलते हैं। इनकी रचनाओं में भाव व्यक्ति इतनी सशक्त है कि वह पाठक के हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। अब भर्तृहरि की रचनाएँ कौन कौन सी हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अन्य ग्रंथ मीमांसा, सूत्रवती, वेदांत सूत्रवती, वाक्य प्रदीतवृत्ति, भागवृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, महाभाष्य त्रिपदी और महाभाष्य दीपिका। तो महाभाष्य यदि कहीं पर वर्ड आ रहा है तो वो सीधा सा किससे संबंधित है? तो भर्तृहरि से संबंधित है। राजा भर्तृहरि भी कहा जाता है उनको। बाणभट्ट सातवीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। रचनाएं, बाणभट्ट की दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरितम तथा कादंबरी। हर्षचरितम में राजा हर्ष के जीवन चरित्र का वर्णन है। कुछ विद्वान के अनुसार कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास है। साथियों विश्व का पहला उपन्यास किसे कहा गया है? तो कादंबरी को कहा गया है। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया था तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में लिया था। इसके अलावा बाणभट्ट की दूसरी रचनाएं मार्कंड देवी महत्यम पर आधारित दुर्गा स्त्रोत।
चंडी शतक तथा एक नाटक पार्वती परिणय भी इनकी रचना है। किसकी? बाण भट्ट की। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक और फेमस राइटर हुए भवभूति। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। इनका संबंध महावीर चरित्र प्रस्तावना से लिखा गया है। वे विदर्भ देश के पद्मपुर नामक स्थान के निवास श्री भट्ट गोपाल के पुत्र थे। भवभूति कन्नौज के शासक यशोधर्मन के दरबारी कवि थे तथा इन्हें भारतीय मिल्टन कहा जाता है। साथियों, एक अच्छा सा प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है, भारतीय मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भवभूति को भारतीय मिल्टन कहा जाता है। इनकी रचनाएं मालती माधव, उसके बाद महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। अब आते हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। पहला नाम आता आचार्य केशवदास का। इनका जन्म सन 1555 में ओरछा में हुआ, जहाँ पर साथियों आप जानते ओरछा में रामचंद्र जी का एक फेमस मंदिर है। और ये भी कहा जाता है कि ओरछा के राजा कौन है? तो भगवान रामचंद्र हैं। एक ऐसी मान्यता है ओरछा के अंदर, साथियों में थोड़ा सा ओरछा का वर्णन कर देता हूँ, कि ऐसा कहा जाता है कि दिन में भगवान राम ओरछा में निवास करते हैं और रात्रि विश्राम करने के लिए वो अयोध्या जाते हैं। ऐसी एक मान्यता है, किसी कथा है। तो ये इनका जन्म, आचार्य केशवदास का जन्म ओरछा में हुआ है और इनकी मृत्यु सन 1617 में हुई है। एक ओरछा की जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, वो एक बड़ी स्टोरी है। किसी दिन जब वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस स्टोरी को मैं पूरा सुनाऊँगा कि आखिरकार रामचंद्र जी ओरछा क्यों आए और उन्होंने अपना वहाँ निवास स्थान क्यों बनाया। दिन के राजा ओरछा के कहलाते और रात के राजा अयोध्या के कहलाते, ऐसा क्यों है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो ओरछा के जो राजा हुआ करते थे उनकी पत्नी से संबंधित कहानी है, उसको हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। केशवदास हिंदी के प्रसिद्ध रीतकालीन कवि थे, जिनका समय भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता है, पर जो अपनी रचना में पूर्णतः शास्त्र रीतिबद्ध थे। केशवदास संस्कृत काव्य शास्त्र के सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि है। ये ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राजकवि के पद पर प्रतिष्ठित थे। अपनी अद्भुत संवाद रचना और काव्यगत जटिलता के कारण केशव कठिन काव्य के प्रति प्रेत के रूप में प्रसिद्ध हुए। केशव की रचना ओरछा में प्रतिवर्ष केशव जयंती समारोह के रूप में आयोजित की जाती है। साथियों, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, केशव जयंती समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो साथियों, ओरछा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अब केशवदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिका, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीरसी देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीत और जहांगीर जस चंद्रिका। केशवदास रति द्वारा प्रमाणिक ग्रंथ टोटल 9 हैं। संख्या कितनी उनकी? 9। केशवदास राजा इंद्रजीत के दरबार की एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ साथियों यहाँ पर मैं, केशवदास जी के ऊपर, जिनका जन्म 1555 में हुआ था। अभी हमने कहा कि ओरछा में इनका जन्म हुआ था, ओरछा के दरबारी कवि भी ये थे। तो केशवदास राजा इंद्रजीत के दरबार की एक वेश्या राम प्रवीण पर आसक्त हो गए थे। रसिक प्रिय केशवदास की प्ररचना है, ध्यान रखना रसिक प्रिय किसकी है? तो केशवदास की प्ररचना में शामिल किया गया है। जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ हैं, इसमें रस वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण तथा उदाहरण दिए गए हैं। एक और कवि आते हैं मध्यकालीन भारत था उसमें भूषण। इनका जन्म 1613 में हुआ और मृत्यु 1755 में हुई। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात तथा उपनाम जटाशंकर था। भूषण को इनकी उपाधि इनके कविता से प्रभावित होकर चित्रकूट के नरेश रुद्र सोलंकी ने दी थी। चित्रकूट भी आप जानते हो साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, और चित्रकूट में भी राजा रामचंद्र की एक प्रमुख स्टोरी है, उसका भी उल्लेख हम बाद में करेंगे। यदि इस वीडियो में उसका उल्लेख मैं आप लोगों के साथ करता रहा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हिंदू जाति का गौरव बढ़े और उन्नति हो, ये उनकी अभिलाषा थी। इसी कारण वीर शिवाजी को अपना उन्होंने आदर्श माना था। भूषण रीतिकाल के एकमात्र कवि जिन्होंने श्रृंगार रस के अटकर वीरता और देश प्रेम का वर्णन किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं साथियों आपको याद होना चाहिए, शिवराज। तो भूषण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? शिवराज, शिवा बावनी, छत्रशाल दशक, भूषण उल्लास,
दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। अगले मध्यकालीन भारत के कवि हुए पद्माकर भट्ट, जन्म 1753 में और सन 1833 में कानपुर में गंगा तट पर अपना शरीर उन्होंने छोड़ा। साथियों, इस पूरे वीडियो के अंदर मध्य प्रदेश में जितने साहित्यकार हुए, यदि हम कहें मध्यकालीन भारत में और यदि वर्तमान के और इससे पूर्व के, सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में मानते हैं। तो दो अलग अलग मान्यताएं, रामचंद्र शुक्ल इनको बांदा जिले से मानते हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनको मध्य प्रदेश के सागर जिले से मानते हैं। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं अली शाह प्रकाश, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, जय सिंह विरुदावली। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद कर राम रसायन की रचना की। साथियों, बहुत अच्छी लाइन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रही है, पद्माकर भट्ट ने राम रसायन की रचना की, जो कि वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद है। उसका नाम क्या है? तो पद्माकर भट्ट ने उसका नाम रखा था राम रसायन। रसायन विज्ञान से संबंधित है, याद रख सकते हो, राम रसायन। कवि पद्माकर ग्वालियर के महाराजा दौलत राव के सिंधिया के दरबार में रहते हुए उनकी प्रशंसा में अलीज शाह प्रकाश की रचना की, जबकि प्रताप सिंह व जगत सिंह के यहाँ क्रमशः प्रताप सिंह विरुदावली और जगत विनोद नामक ग्रंथों की भी रचना की। अब मध्यकालीन भारत से निकल कर हम आधुनिक काल साहित्य की तरफ आ जाते हैं। आधुनिक काल में बड़े फेमस राइटर हुए मध्य प्रदेश के, नाम है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। जन्म 4 अप्रैल 1889 होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में। साथियों, इनका जन्म स्थान और जन्म सन आपको याद रखना आवश्यक है, और मृत्यु 1968 में। हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी का योगदान बड़ा विशेष करे, वह एक लेखक है, निबंधकार है, कवि है, नाटककार और पत्रकार, जितना भी इनके बारे में कहा जाए उतना कम है। ये 16 वर्ष की उम्र में शिक्षक बन गए थे। देखो, बड़ा अच्छा सा है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में देखें तो 16 वर्ष की उम्र में बच्चे 12वीं भी पास नहीं कर पाते हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी 16 वर्ष की आयु में टीचर यानी शिक्षक बन गए थे। 1912 में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कब की बात है? देखो साथियों, बड़ा अच्छा सा यहाँ पर उल्लेख है, 1889 में इनका बर्थ हुआ, 16 साल की उम्र में शिक्षक बन गए, मतलब 1889 से आप 16 इसमें ऐड कर सकते हो। और 1912 तक आते आते इन्होंने अध्यापन कार्य भी छोड़ दिया, मतलब टीचर का जॉब छोड़ दिया, और प्रभा नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। संचालन एवं संपादन का कार्य भी इन्होंने किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने कर्मवीर समाचार पत्र का संपादन भी किया। ध्यान रखना, ये MPPSC में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया कर्मवीर से, तो कर्मवीर का संपादन किसने किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख काव्य हिम केरेटिनी, हिम तरंगिणी, युगचरण और एक भारतीय आत्मा माता, मरण ज्वर, निबंध संग्रह साहित्य देवता, अमीर हरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव, और इनकी रचना तरंगिणी के लिए 1925 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो 1955 में इन्हें तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और 1963 में, ध्यान रखना साथियों, मध्य प्रदेश के है, आपको जानना आवश्यक है, MPPSC में क्वेश्चन आ चुका है, 1963 में इनको पद्म भूषण मिला था। तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1963 में पद्म भूषण मिला था। अगला बड़ा फेमस नाम है मुल्ला रमूजी, जन्म 21 मई 1896 भोपाल, मृत्यु 1952। भोपाल निवासी मुल्ला रमूजी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे, जिन्होंने उर्दू भाषा में अलग शैली ईजाद की थी जो गुलाबी उर्दू कहलाती थी। इन्होंने उर्दू की अलग शैली बनाई थी जिसको नाम दिया गया था गुलाबी उर्दू। रचनाएं मजमुआ गुलाबी उर्दू, इत्ती खाबे गुलाबी उर्दू, मकलते गुलाबी उर्दू, ख्वातानी अंगूरा, शादी औरत जात जंग, लाठी और वेंस, दीवाने मुल्ला रमूजी, शिफा खाना जिंदगी और गुलाबी शायरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। साथियों, मुल्ला रमूजी के बाद एक बड़ा फेमस नाम आ रहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, जन्म 8 दिसंबर 1897
शाजापुर जिले के ग्राम भयाना में, मृत्यु 29 अप्रैल 1960 में, मतलब आज़ाद भारत में इनकी मृत्यु हुए। इन्हें ब्रज भाषा का प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी के काव्य रचना की थी। 1960 में इन्हें पद्म भूषण सम्मानित मिला था। कब? जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष। इनको ध्यान रखना, मृत्यु और पद्म भूषण का एक ही समय पर है। इन्होंने प्रभाव और प्रताप का संपादन किया था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? समकालीन कवि थे, स्वच्छंदकारी कवि थे, और यदि हम कहें तो इन्हें द्विवेदी युग का कवि माना जाता है। इनने जो जीवन भर पत्रकारिता से जुड़े, राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े, उर्मिला इनका महाकाव्य और प्रणापर्ण खंड काव्य, इसके अलावा कुमकुम, विनोब स्तवन, रश्मिरेखा, अपलक, क्वासी, विल्लभ गान, अनल गान, हम विश पाई जन्म के, ऐसे कुछ इनकी रचनाएं। साथियों आगे चलते, सुभद्रा कुमारी चौहान। वैसे तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु मृत्यु 12 फरवरी 1948 में हुई थी। खास बात मध्य प्रदेश से क्यों रिलेटेड है जन्म यूपी में होने के बाद भी? क्योंकि खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ में इनका विवाह हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बहू थी। ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका भी रही है। उन्होंने 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। प्रसिद्ध रचना उनकी झांसी की रानी कविता के कारण है। आपने छोटी कक्षाओं में झांसी की रानी के ऊपर जो कविता पढ़ी होगी वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित थी। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र, कविता संग्रह मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी, बाल कविता सभा के खेल, विवेचनात्मक कल्पविरा। मुकुल काव्य संग्रह के लिए इन्होंने शेख सरिया पुरस्कार से नवाजा गया। ध्यान रखना साथियों, कौन सा पुरस्कार मिला? के केसरिया पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। आचार्य नंदूलाल वाजपेयी, जन्म 1906 उत्तर प्रदेश के उन्नावा में और मृत्यु 21 अगस्त 1967 उज्जैन में। नंदूलाल वाजपेयी हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, समीक्षक और आलोचक भी रहे हैं। और वाजपेयी जी कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यापक रहे हैं और अपनी मृत्यु के समय वह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति थे। ध्यान रखना साथियों। और इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो कुछ समय तक भारत के संपादक रहे। इन्होंने काशी नागरी प्रचरिका सभा सूरत सागर का तथा बाद में गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरित मानस का संपादन भी किया। इनकी पहली रचना जयशंकर प्रसाद है। अन्य रचनाएं इनकी देखें तो हम देखें आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य और सृजन और समीक्षा, भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म 29 मार्च 1913, होशंगाबाद, टिटरिया गांव, मृत्यु 1985। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। और इनका यदि बात करें तो प्रथम संग्रह गीत फरोश और रचनाएं गीत फरोश, चकित के दुख और अंधेरी कविताएं, गांधी पंचतत्व, दूसरा सप्तक, कमल के फूल, पहली खुशबू के शिलालेख, पांव एवं पंख, तूस की आग। अगला नाम आता है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, जन्म 14 अगस्त 1915 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, मृत्यु 2002। शिक्षा की बात करें और आगे चलें तो शिवमंगल सिंह सुमन 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया। ये भी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति रहे हैं। रचनाएं काव्य संग्रह हिल्लोरे, जीवन के गान, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया, आँख नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे, माँ देवी की काव्य साधना, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 13 नवंबर 1917 श्योपुर जिला, मृत्यु 1 सितंबर 1964। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं। तार सप्तक के पहले कवि थे। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य के अस्मिता, आत्म संघर्ष और प्रखर राजनीतिक चेतना की समृद्धि और उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई थी। रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी आँख, धूल, काठ का सपना, एक साहित्यकार की डायरी,
नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, सतह से उड़ता आदमी, इतिहास और संस्कृति, चंबल की छाती, कामयानी एक पुनर्विचार। पंडित हरिशंकर परसाई, जन्म 22 अगस्त 1922, होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में, मृत्यु 10 अगस्त 1995। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिया था। उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरा, परिधि, उभरता समाज और व्यापक प्रश्नों को जोड़ा था। वसुधा नामक मासिक साहित्यकार पत्रिका इन्होंने निकाली थी। रचनाएं: रानी नागफानी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। कहानी संग्रह इनके हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले। व्यंग संग्रह: वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। निबंध इनके: भूत के पीछे, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का तवज्जो, प्रेमचंद के फटे जूते, ज्वाला और जल, माटी कहे कुमार से, काग भकुड़ा और अंत में पगडंडियों का जमाना। इनका संस्मरण तिरछी रेखा है और जान पहचाने लोग। गजानन माधव मुक्तिबोध के बाद बड़ा फेमस नाम आता है शरद जोशी का, जिनका संबंध उज्जैन से था। 1931 में उनका जन्म और सितंबर 1991 यानी 1991 में इनकी मृत्यु। खास बातें: इनकी रचनाएं परिक्रमा उज्जैन से रिलेटेड थे साथियों, ये परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, अंधो का हाथी, एकता गदा और मैं और केवल मैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है, पूर्व प्रधानमंत्री। जन्म 25 दिसंबर 1924, ग्वालियर, मृत्यु 16 अगस्त 2018। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। वह पहले 16 मई से 28 मई 1996 तक, फिर 19 मार्च 1988 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यदि इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मेरी 51 कविताएं इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। मृत्यु अथवा हत्या, मेरी 51 कविताएं, संसद के 3 दशक, अमर आग है, अमर बलिदान, सेक्युलरवाद, विचार बिंदु, राजनीति की रपटील राहें और कैदी कवि राय की कुंडली। मध्य प्रदेश के अन्य साहित्यकार की भी बात करें तो बहुत सारे साहित्यकार मध्य प्रदेश में हुए हैं, जैसे जगन्नाथ प्रसाद, भानु विनायक राव, सैयद अमीर अली राय, देवी प्रसाद, सुखाराम चौबे, द्वारिका प्रसाद मिश्र, बहुत सारे साहित्यकार साथियों यहाँ पर हुए हैं। हिंदी की सृजन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रामेश्वर शुक्ल, डॉक्टर विनय मोहन सेठ शर्मा, सेठ गोविंददास, इसमें हमने कुछ ही को शामिल कर पाए हैं, क्योंकि साथियों यदि हम देखें तो बड़ी लंबी फहरिस्ट है इसकी। तो ये थे हमारे साहित्यकार। अब चलते मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार की तरफ। संत सिंगाजी, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के संत कवि थे। उनका नाम 1576 में बड़वानी इस्टेट में एक छोटे से ग्राम खजूरी में हुआ था। उनका जो जन्म है ना, वो 1576 में बड़वानी इस्टेट के एक छोटे से ग्राम खजूरी में हुआ था। इन्होंने कबीर की तरह सखियाँ लिखी हैं। इनकी रचनाओं में कबीर के दर्शन की नई अभिव्यक्ति झलकती है। इन्होंने निमाड़ बोली में 7 बार 12 मासी, 15 तिथि, दोषबोध, शरद आदि प्रमुख रचनाएं की। संत सिंगाजी कबीर के समकालीन थे। सिंगाजी ने कबीर के निर्गुण भक्ति धारा के 1100 लोक पद रचे थे। सिंगाजी पहले से संत कवि हुए जिन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों का निमाड़ कविता में प्रयोग किया है। इन्हीं पदों में संत सिंगाजी का आध्यात्मिक संदेश समाहित है। निमाड़ में निर्गुण भक्ति धारा बहाने का श्रेय संत शिरोमणि सिंगाजी को जाता है। संत सिंगाजी की धारा में निमाड़ में अनेक संत कवि हुए हैं जिन्होंने निमाड़ में अनेक पदों की रचना की। संत सिंगाजी एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ परचरी हैं जिसका संकलन उनके शिष्य खेमदास द्वारा किया गया। दूसरे लोक साहित्यकार आते घाघ। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ का जन्म 1753 के लगभग कन्नौज के आसपास हुआ था। ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। घाघ को चौधरी की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई थी।
घाघ ने अपनी कविताओं में यह सिद्ध कर दिया था कि वह एक महान कृषि पंडित थे। उन्होंने भूमि की उर्वरक शक्ति, फसलों के बोने, बीजों के मध्य की दूरी आदि का तार्किक ज्ञान दिया था। इनकी सूक्तियाँ किसानों के लिए कृषि मार्गदर्शन का कार्य करती है। रचनाएं घाघ, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित। जगनिक, अब साथियों जगनिक कौन है? जो जगनिक बुंदेली के महाकवि कहे जाते हैं। इन्होंने अल्लाखंड यानी परमाल रासो जैसे अद्वितीय महाकाव्य बुंदेली में रचा। यद्यपि अल्लाखंड लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि यह काव्य मौखिक परंपरा में जीवित रहकर निरंतर लोकप्रिय बना रहा। जगनिक कलिंजर के राजा परमाल चंदेरी के दरबारी कवि थे। रचना अल्लाखंड, परमाल रासो। वर्तमान समय में इनका केवल अल्लाखंड उपलब्ध है। महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदर की वीर गाथा का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में लिखा है। आलाखंड की भाषा बुंदेली की उपबोली बनाफरी है। आलाखंड में 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। आला गाने वाले लोग अलहेद कहलाते हैं। आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करने वाले अग्रज चार्ल्स इलियट था। वेसेट स्मिथ ने बुंदेलखंड में इस काव्य को संग्रह किया। तो ये बात हुई यहाँ पर साथियों किसकी? जगनिक की। जगनिक ने आला और उदल की जो प्रमुख कविता उसका वर्णन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगनिक का समय संवत 1230 माना है। ये कलिंजर के राजा परमाल चंदेली के दरबारी कवि थे और हिंदी आदि कवि चंदबरदाई के समकालीन थे। आलाखंड में जगनिक ने महोबा के दो प्रसिद्ध वीर आला उदल के वीरों का चरित्र का वर्णन किया है। इससे उनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन ओजपूर्ण शैली में हुआ है। 800 वर्षों से आला उदल के शौर्य गीत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की लोक कंठों के माध्यम से आज भी गाए जाते हैं। इसुरी बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाने वाले लोक कवि है। इनका जन्म 1898 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के अंतर्गत मेंढकी गांव में हुआ था। यह बुंदेलखंड में जयदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसुरी द्वारा रचित भाग ने बुंदेली लोक साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। इसुरी ने हजारों फागों की रचना की है। इसुरी चोगड़िया फाग के पर्याय माने जाते हैं, इसलिए इसुरी बुंदेल लोक कवियों के सिरमौरी कवि हैं। और इनकी रचना इसुरी के फागे, इसुरी प्रकाश, इसुरी ससई और प्रेमिका रजोवी। अगले आते हैं लोक साहित्यकार ईश्वरी। जन्म 1831 मेढकी गांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड के लोकप्रिय कवि हैं। पूरा नाम ईश्वर प्रसाद अडजरिया, पिता पंडित भोलेनाथ तिवारी। इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। रचना ईश्वर की फागे, इन्होंने बुंदेली फाग में चौगड़िया का आरंभ किया था। तो साथियों ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और लोक साहित्यकार। वैसे साथियों मध्य प्रदेश में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, तो जो फेमस हैं, वैसे फेमस तो सभी हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, पर जो ज़्यादा फेमस है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने इस वीडियो के अंदर समाहित किया है। अब हम चलते कुछ प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर हम लोग 125 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप उन क्वेश्चन को देखिएगा, उन क्वेश्चन के आंसर आप याद करिएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय का अवसर मिला? सेठ गोविंद दास को। आगे दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई? तो 16 जनवरी 1990। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय विश्वख्यात चंदेरी की साड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती हैं? साथियों इसमें कुछ प्रश्न, अब आप बोलोगे कि सर ये लोक साहित्य वाला है और यह साड़ियों का समावेश क्यों किया गया? क्योंकि साथियों ये जो प्रश्न है, ये हम इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर आया था उसमें इन प्रश्नों का समावेश नहीं कर पाए थे, तो कुछ प्रश्न हमने इस वीडियो के अंदर उसके डाल दिए। टीकमगढ़,
मध्य प्रदेश में महेश्वरी की रेशम साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? तो खरगोन, क्योंकि ये वहाँ पर, ये क्वेश्चन उस वीडियो में डालना थे तो हम इनको वहाँ नहीं डाल पाए, तो हमने इस वीडियो के अंदर समावेश कर दिया। नहीं, 8-10 क्वेश्चन ही है, उसके बाद हम वापस साहित्य की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश के भैरवगढ़ में कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो उज्जैन। मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? ग्वालियर में। कालिदास के 7 प्रामाणिक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। महाकाव्य कौन से साथियों? याद रखना, कुमार संभवम, रघुवंशम, खंडकाव्य मेघदूतम, ऋतु संवारम और नाटक अभिज्ञान शंकुतलम, विक्रमोश्वर्यम और मालविका निगमित्रम। ऋतु संवारम कालिदास की प्रथम रचना है जो खंडकाव्य के रूप में, अभिज्ञान शंकुतलम कालिदास की अंतिम नाटक है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक है जिसमें शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका के प्रेम चित्र का वर्णन मिलता है। साथियों, आप कहोगे कि सर आपने इनको पॉइंट में क्यों लिखा, तो उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेघदूत में उज्जैन और अमरकंटक की व्याख्या की गई है। मेघदूत में यदि कहें तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की व्याख्या मिलती है? तो उज्जैन और अमरकंटक के। मेघदूत में 9 खंड हैं, जिनमें एक खंड का नाम रेवा खंड है, जिसका नर्मदा नदी के कई झरने होने के कारण कालिदास जी ने इसका नाम बंदर पटीका दिया था। ध्यान रखना साथियों, क्या नाम दिया था? बंदर पटीका। कुमार संभव कालिदास का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो साथियों, आप याद रखना, कुमार संभव प्रथम महाकाव्य, रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य, जिसमें विषय वस्तु रामायण से ली गई। आगे चलते हैं। हिंदी लेखक मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर एक नाटक अषाढ़ के दिन की रचना की है। तो साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। मोहन राकेश एक प्रमुख रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अषाढ़ का एक दिन की रचना की है। भर्तरी का पथ, वैराग्य पथ संकेत करता है कि उनके अनुयायी आज पुष्कर से 18 मील दूर साई में बसते हैं। पॉइंट नंबर 17, भर्तरी की साधना स्थली उत्तर प्रदेश को चुना हुआ स्थान है तथा राजस्थान के सरिस्का शेष समाज स्थल है। उज्जैन में गढ़काली मंदिर के समीप स्थित भर्तरी की पत्तियां भर्तरी और बाबा गोरखनाथ का योग और समाधि स्थल है। 18, यदि आप उज्जैन में जाओ तो आपको भर्तरी की गुफाएं मिलती हैं। भर्तरी ने वैराग्य धारण किया और अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को बनाया। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के अलवर में भर्तरी का मंदिर है, अनुयायी गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए ने बाबा भर्तरी ने भी कहा जाता है। रचना शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक है भर्तरी की। भर्तरी व्याकरणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध है, उनकी 3 प्रमुख व्याकरण रचनाएं प्रसिद्ध है, महाभाष्य टीका, वाक्पदिया और शब्द धातु समीक्षा। संस्कृत साहित्य में भवभूति की तुलना अंग्रेज साहित्यकार मिल्टन की जाती है, जिनको भारतीय मिल्टन कहा जाता है। भवभूति अपने 3 नाटकों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे, महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित्रम। 24, इनके नाटकों में सबसे लोकप्रिय मालती माधव, जिसमें करुण छात्रों के उज्जैन के दरबारी मंत्री की पुत्री मालती से प्रेम के बारे में बताया गया है। कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास था जिसमें एक राजकुमारी का वर्णन किया गया। यह बाण भट्ट की अपारदर्शी रचना है, इसे उनके बेटे भूषण भट्ट ने पूरा किया था। पद्माकर को जयपुर नरेश महाराणा प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की डिग्री प्रदान की थी, उपाधि दी थी। जयपुर में रहते समय उन्होंने लक्ष्मण ग्रंथ पद्माभरण की रचना की और दोहे भी लिखे। भूषण दास रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है, अन्य 2 कवि बिहारी और केशव दास हैं। भूषण का जन्म 1613 में, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृत्यु टिकवापुरा ग्राम में 1715। वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण की भाषा ब्रजभाषा है, परंतु उनके प्रचलित शब्दों के अनुसार आवश्यक रूप से प्रयोग की जाती है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी ससई, ये मुक्तक काव्य रचना है जिसमें 719 दोहे समाहित हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बावई नगर का नाम माखन नगर कर दिया गया है, जहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिससे मध्य प्रांत से पहली गिरफ्तारी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दी थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चलन
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। 34 माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापना 1990 में की गई। 35 क्वेश्चन, 35 पॉइंट, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा मस्क पत्रिका का संपादन 1913 में किया और कर्मवीर समाचार पत्र का संपादन भी इन्होंने किया। प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य संभाला 1923 में। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर अधिवेशन के सभापति 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय कार्यकर्ता 1942 में। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के पुरस्कार हिम केरेटिनी देव पुरस्कार 1943 में, हिम तरंगिनी और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में और पद्मभूषण 1963 में। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने की पहली महिला थी सुभद्रा कुमारी चौहान। साथियों बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारी बात भी हुई थी, हमने बताया था कि इनका विवाह खंडवा में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी नामक रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। भवानी प्रसाद मिश्र इन्हें 1917 में रस्सी बांधने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भवानी प्रसाद संगम गांधी पंचशती इनका महाकाव्य। 41 हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार जो व्यंग्य को विधा का स्तर देते थे। आंशिक संवेदना के दौर रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। 42 उर्दू अकादमी ने अपने भवन का नाम मुल्ला रामूजी के नाम से पर केवल मध्य प्रदेश दर्ज किया बल्कि संपूर्ण भारत में उर्दू साहित्य सम्मानित। साथियों 42 वह पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट से, पूरे भारत में जितनी भी उर्दू अकादमी हैं उनका नाम उर्दू अकादमी ही है, पर मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का नाम क्या है? मुल्ला रामूजी उर्दू अकादमी। 43 शरद जोशी उनकी घटनाओं पर आधारित सीरियल कौन सा है? लापता गंज, जो सीरियल धारावाहिक आता है वो शरद जोशी के द्वारा लिखित हैं। 1990 में शरद जोशी को पद्मभूषण का पुरस्कार मिला था। मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि घाग मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें चौधरी की डिग्री प्रदान की गई थी। तो प्रमुख कवि घाग को चौधरी की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि घाग को देशभक्तिकार कहा था। ईश्वरी कवि जो है बुंदेलखंड के जयदेव कहे जाते हैं। डॉक्टर श्रीराम परिहार की काहो जन सिंगा पुस्तक में सिंगाजी के 108 प्रमाणिक लोक पदों का अनुवाद किया गया है। सिंगाजी की स्मृति मृत्यु शरद पूर्णिमा का ग्राम पिपलिया में उनकी समाधि पर मेला लगता है। साथ ही ध्यान रखना निमाड़ में एक मेला लगता है सिंगाजी का मेला, वो कहाँ लगता है? तो शरद पूर्णिमा को ग्राम पिपलिया में उनकी समाधि के स्थान पर लगता है। सिंगाजी की काव्य भाषा निमाड़ी थी। साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर शिवमंगल सुमन जी को 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्मभूषण सम्मान किया गया था। आगे चलते हैं, इनको डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को लगातार बढ़ते हुए आपको देव पुरस्कार प्राप्त भी हुआ था। डॉक्टर शिवमंगल सिमन को 1976 में मिट्टी की बारात कब काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1936 में हिल्लोली प्रकाशित हुआ और मध्य प्रदेश सरकार ने जोशी स्मृति पुरस्कार 1992-93 में शरद जोशी के राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की और प्रथम जोशी पुरस्कार हरिशंकर परसाई को मिला था। ध्यान रखना साथियों किसको मिला था? हरिशंकर परसाई को। दूरदर्शन के धारावाहिक विक्रम बेताल, शेर सिंह बत्तीसी, वाह जनाब, ये जो जीवन है, ये शरद जोशी द्वारा लिखे थे। भिखार संग्रह, फिर किसी पाखंड, जिप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे पर बैठना, परिक्रमा तिलिस्म, संभव, दूसरी सतह पर, हम सत्यापन के सत्य, हमारे नाटक शरद जोशी की हैं। नाटक एक था दाब अंधों का हाथी शरद जोशी की प्रमुख नाटक है। साथियों हम लोग चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी और कौरवी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा कौरवी। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा भवभूति। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना फेमस रचना कौन सी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। चकित है दुख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 61, उर्मिला किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अल्लाखंड किसकी रचना है? साथियों भी बात हुई थी हमारी कि जिसमें आला उदल की कहानियों का वर्णन मिलता है, ये जो कहानियाँ किसने लिखी थी?
जगनिक ने इसको लिखा था। किसने? जगनिक। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में कौन सी शामिल नहीं है? बुंदेली शामिल है, बघेली शामिल है, निमाड़ी शामिल है, मतलब भोजपुरी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? भिंड में बोली जाती है, मुरैना में बोली जाती है, ग्वालियर में बोली जाती है, मतलब टीकमगढ़ में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती। तो आप इसका एक सीधा सा अर्थ निकाल सकते हो कि जो भिंड मुरैना ग्वालियर जो बेल्ट है, यानी चंबल संभाग हिंदी में कह दें, तो ग्वालियर संभाग के दो, चंबल संभाग के दो, वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, वो टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है बुंदेलखंडी। 66, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? तो रीवा सतना सीधी में बघेली बोली जाती है, तो टीकमगढ़ में बघेली नहीं बोली जाती है। रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो भूषण की। निम्न में से कौन सी रचना भवभूति ने नहीं लिखी? तो उत्तर रामचरित, महावीर रामचरित और माधव मालती माधव, ये किसकी रचना है? तो भवभूति, यानी कादंबरी नहीं है। आगे चलते, निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो प्रबोध पचासा, जगत विनोद और हितोपदेशीय प्रबोध रचना किसकी है? पद्माकर की, यानी शिवा बावनी नहीं है। राज्य की मुख्य बोलियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो बुंदेली शामिल है, बघेली शामिल है, निमाड़ी शामिल है, मतलब सांथेली शामिल नहीं है। हितोपदेश किसकी रचना है? तो पद्माकर की। बाल पत्रिका पराग के संपादक कौन है? हरिकृष्ण देवसर हैं। आगे चलते 74, निम्नलिखित साहित्यकार में से कौन सा मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? केशवदास है, पद्माकर है, भूषण है, भर्तरी नहीं है, भर्तरी तो बहुत पुराने हैं। 75, कालिदास के किस ग्रंथ को अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो साथियों ध्यान रखना कि अमरकंटक जो कि नर्मदा नदी के किनारे हैं और उज्जैन के सौंदर्य का वर्णन कालिदास ने ऋतु संहार नामक कविता में किया है। निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? आपको अच्छे से आंसर याद होगा, कालिदास। पद्माकर ने अली शाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? तो ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया के दरबार में की थी। कालिदास ने किस ग्रंथ में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है? कुमार संभव में। शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? भर्तरी की। और रीति काव्य के प्रवर्तक केशवदास। निम्नलिखित में से भवभूति की रचना महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 82, केशवदास ने रस प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी? इंद्रजीत की प्रेरणा से लिखी। संत सिंगा जी किस स्थान के निवास रत थे? निमाड़ के, और निमाड़ में हर जो आती है कार्तिक पूर्णिमा उसके दिन मेला भी लगता है। किस बाल साहित्यकार का जन्म सतना जिले में हुआ था? हरिशंकर देवसर का। संत सिंगा जी किसके समकालीन माने जाते? तो कबीर के। बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्य पत्रिका का संपादन किया? वसुधा। क्वेश्चन नंबर 88, हरिशंकर परसाई का मुख्य किस विधा में थे? तो व्यंग। निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने। निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बाबई। आजकल साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने बाबई का नाम बदलकर माखनलाल नगर कर दिया गया, माखन नगर कर दिया है। भवानी प्रसाद मिश्र के विशेष ख्याति किस रचना में थी? गीत फरोश। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह की एक फेमस रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध साठा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो हिम क्रिटिनी, हिम तरंगिनी और युग चरण है, यानी मुकुल नहीं है। निम्न में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? इसूरी को। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न रचना के रचनाकार सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी, हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी, क्वासी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखी थी, यानी त्रिधरा पद्माकर की लिखी नहीं है। पत्रिका और उनके संपादन के गलत के जोड़े में गलत कौन सा है? तो प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखी ने, हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी की, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की, यानी कर्मवीर वृंदावन वर्मा ने नहीं लिखी है। गुलाबी उर्दू शैली के प्रयोग किस कवि के द्वारा किया गया? तो मुल्ला रामू जी। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है।
निम्नलिखित में से कोंद अर्धमगधी अपभ्रंशी से जन्मी पूर्व हिंदी की बोली है? तो बघेलखंडी। साथियों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बघेलखंडी अर्धमगधी अपभ्रंश से जन्म हुआ इसका। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के साहित्यकार नहीं हैं? भूषण, मुल्ला रामूजी, हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी आधुनिक भारत में आते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन है? विक्रमोत्सर्षि में। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। क्वेश्चन नंबर 105, कवि पद्माकर किस राजा के दरबारी कवि थे? तो प्रताप सिंह के भी थे, जगत सिंह के भी थे, दौलतराव सिंधिया ग्वालियर वाले के भी थे। निम्नलिखित में से बघेलखंडी भाषा किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो बघेलखंडी साथियों आप जानते हो उमरिया, सतना और रीवा में बोली जाती है, यानी कि बालाघाट में नहीं बोली जाती। शंकुतलम किसकी रचना है? कालिदास की। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे? घाघ। बिखरे मोती किसकी रचिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित किस मुगल शासक ने लोक कवि घाघ को चौधरी की उपाधि दी? अकबर ने। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना गया? घाघ को। व्यंग विधा के साहित्यकार शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। आलाखंड की पांडुलिपि किसके द्वारा तैयार की गई? चार्ल्स इलियट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद में। कालिदास द्वारा लिखित नहीं है तो उत्तर रामचरितम। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। प्रश्न क्रमांक 118, कवि राय की कुंडली मृत्यु अथवा हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृतियां? अटल बिहारी वाजपेयी की। ध्रुपद गायन कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कठिन काव्य का प्रेत से किस व्यक्ति को जाना जाता है? कवि केशवदास को। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी किस जिले में? सतना में। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल की स्थापना कब की गई? 1976 में। 123, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? चक्रधर सिंह। बिखरे मोती की रचिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी। चांद का मुंह टेढ़ा, क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो साथियों ये हम लगभग 125 क्वेश्चन का संग्रह लेके आए और मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों को बारे में आपने इस वीडियो के बारे में जाना, इस वीडियो में आपने देखा। वैसे हम सबका समावेश नहीं कर पाए पर महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन MPPSC और मध्य प्रदेश जो परीक्षा मंडल है उसमें जो पूछे जाते हैं और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बेसिस पर हमने इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया है। साथियों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों अच्छा लगता है थम दिखाकर लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको किस तरीके से मदद कर रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं। तो साथियों हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने ही रहिएगा, हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से विदा लेता हूँ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।